एक्चुअली आई वॉज मेसिंग अराउंड विद द हेयर स्ट्रेटनर, दैट इज द रीजन कि बाल कुछ बाउंसी हो गए. ओके हेलो एवरीवन, दिस इज रॉजर विकी अगेन. आज का तारीख है 23rd of December और पिछला वीडियो था मेरा 12th of December, तो 10-11 दिन का गैप हो गया था. उसका रीजन मैं बताना चाहूँगा आपको, बिकॉज आई वॉज बिजी ऑब्वियसली, इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए. एक्चुअली आई वॉज बिजी नॉट विथ माई वर्क, एक्चुअली आई वॉज बिजी विथ माई डैड्स वर्क. मतलब मैं अपना भी कर रहा था काम और डैड का भी थोड़ा पेपर वर्क कर रहा था, तो इसकी वजह से मुझे कहीं भी, यहाँ तक कि संडे तो कभी यू नो काम चल रहा था, तो इसकी वजह से आज संडे है तो आज छुट्टी लिया हूँ, बट संडे को भी काम चल रहा था तो उसकी वजह से मैं वीडियोज नहीं बना पाया. सो ये वीडियो एक्चुअली आपका पैसा बचाएगा, तो दैट इज द रीजन आई टेल यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तो कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए. टाइटल से आपको पता चल गया कि आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ अच्छा खासा महंगा नी गार्ड और राइडिंग पैंट. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नी गार्ड. बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो था बायोनिक वर्सेस नॉन बायोनिक नी गार्ड, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन भी दिख रहा होगा, अगर आई बटन में नहीं दिख रहा है तो आप पीछे आके देख सकते हो. आई थिंक वो एक साल पहले बनाया था मैंने वीडियो. ये नाजी का है, मोटोटेक का नी गार्ड. सबसे पहले नी गार्ड की बात कर लेते हैं, इसकी क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी. अब तक का सबसे बेस्ट नी गार्ड मुझे मोटोटेक कंपनी का लगा. मोटोटेक भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा मुझे और XGI भी कोई स्पॉन्सर कर रहा नहीं है, ना ही कोई मेरे शॉप स्पॉन्सर कर रहा है वीडियो के लिए. ये सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के पैसे बचाने की. तो चलिए बात करते हैं पहले नी गार्ड की क्वालिटी की. क्वालिटी ऑफ दिस मोटोटेक इज वेरी स्ट्रांग. आप देख सकते हो अभी तक का जितना भी नी गार्ड मैंने देखा नॉन बायोनिक में, सॉरी जितना भी नी गार्ड मैंने बायोनिक में देखा है अब तक का, ये सबसे बेस्ट रहा है. इसका एक आप बोल सकते हो कॉपी टाइप भी है जो अल्पेंसर का आता है, वो ओरिजिनल अल्पेंसर नहीं होता है गाइस. अगर आप लोगों को, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को लगता है कि अल्पेंसर यहाँ पे दिखा गया है और ये अल्पेंसर के ओरिजिनल नी गार्ड से, तो नहीं है. अल्पेंसर का कोई भी चीज 3,000-4,000 में नहीं मिलता नी गार्ड में. इसकी प्राइस आती है 4,500 जब नादिन लिया था, अब हो सकता है 4,200 और समथिंग 4,000 के आसपास है. ये निगार्ड में आपको यहाँ पे अच्छा खासा पैडिंग देखने को मिल जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैडिंग्स है. और ये जो प्लास्टिक का, जो हार्ड प्लास्टिक का जो मटेरियल है, ये आपको गिरने से बचाएगा. इतना खासा कभी आपका एक्सीडेंट हो और जब आप गिरोगे तो ये जो पोर्शन है हार्ड प्लास्टिक का, ये आपको यू नो इंजरी से सेव करेगा. और वाइल वॉकिंग, वाइल राइड होने के टाइम, देखो हम लोग राइडर्स बहुत कम होता है जब हम लोग लॉन्ग राइड्स करते रहते हैं कि पहने रहे हैं और चला रहे हैं. और कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग चलाने के बाद रुक के फिर थोड़ा घूम रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, फिर कहीं अगर ट्रैकिंग है तो कहीं चल के जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करते हैं. तो ये मैं पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर एक दोनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कब क्या खरीदना चाहिए. तो अब यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स मिल जाते हैं जो ये आपके थाई पे लगेगा और ये दोनों आपके नी के नीचे लगेगा, ठीक है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है. यहीं पे दूसरी तरफ मेरे पास है XGI का राइडिंग पैंट. यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं हो रही कि मोटोटेक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं XGI की कर रहा हूँ. मैं एक नी गार्ड और एक राइडिंग पैंट की बात कर रहा हूँ. तो ज़रूरी नहीं कि वो XGI हो, राइनोक्स भी हो सकता है, कोई दूसरा भी राइडिंग पैंट हो सकता है. तो उससे पहले मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, चैन लगा देता हूँ. ओके, तो ये रहा मेरा राइडिंग पैंट. यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. यहाँ पे इसका मैश आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी मैश है. यहाँ से जब आप राइड करते हैं तो हवा अंदर जाता है ताकि आपको गर्मी ना हो, गर्मी अंदर महसूस ना हो. यहाँ पे आप इसको निकाल के वापस से लगा सकते हो. मैं इसे हमेशा यहीं पे रखता हूँ. फिर यहाँ पे आपका आ जाता है नी सपोर्टर, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है. ये रहा इसका पैडिंग जो यहाँ के आकर निकाला, वो अंदर से आपको डालना पड़ेगा. यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे एक और है वो प्रोटेक्ट करता है, और एक चीज़ जो है वो है ये आपका यहाँ थाइज पे लगता है, साइड में लगता है, जो कि आपके यहाँ पे थोड़ा हेल्प करेगा. तो यहाँ पे लगता है, अब इसे एडजस्ट कर सकते हो विद दिस स्ट्रैप्स. अब इसमें लाइनर भी आता है जो कि आप यहाँ दे सकते हो, एक विंटर रहेगा और एक रेन लाइनर रहेगा, तो दोनों लाइनर इसमें रहता है जस्ट लाइक जैकेट. जैकेट अगर आपके पास है तो जैकेट और राइडिंग पैंट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छा सा चेन मिल जाता है. देन मोबाइल कैरी करने के लिए, नॉर्मल यू नो नॉर्मल थिंग्स कैरी करने के लिए आपके पैंट जैसा ही है. और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है इस राइडिंग पैंट की, कि मैंने इतने राइड्स किए, लद्दाख किया है, देन हैदराबाद किया है, गोवा किया है, तो जितने भी राइड्स में हम लोग मैं वॉकिंग कर रहा हूँ या फिर राजमाची भी किया हूँ,
तो ट्रेकिंग जो रहता है मैं इसे पहन के ही किया हूँ। ये जस्ट लाइक ए नॉर्मल जीन्स फील होता है मुझे, दो आई एम वेयरिंग अ जीन्स, जीन्स के ऊपर भी अगर ये पहनूँ तो भी मुझे कुछ हैवी टाइप मटेरियल, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ हैवी मैंने पहन लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसलिए आई जस्ट लव माई राइडिंग पैंट। अब इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जब मैंने लिया था आई थिंक था 6700 और 800 अप्रॉक्स के आसपास, जो भी प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये है नीगार्ड का प्राइस और ये है XJI पैंट का प्राइस। ब्रांड जो ब्रांड है मेरे पास मैं उसी का प्राइस बता रहा हूँ, और दूसरा कुछ ब्रांड लेंगे आप तो उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब बात करते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आप न्यू टू द राइडिंग हो तो यू नो इतना पैसा खर्चा करने, मैं खुद जब नया नया स्टार्ट किया था तो 8000 का जैकेट लेने में बहुत हिचकिचा रहा था कि नहीं यार इतना महंगा नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये वो। राइनर्स में जब मैंने जैकेट लिया था तो मुझे मालूम है कि जब आप नया नया राइडिंग में आते हो तो ये सब खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। बट फिर भी अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप नी गार्ड में, इफ़ यू आर प्लान टू बाय ओनली नी गार्ड, तो आप मोटोटेक पे जाइए और किसी पे मत जाओ। देखो ये कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है या मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं जस्ट एक नॉलेज बांट रहा हूँ मैं आप लोगों में, क्योंकि हम लोगों ने ये यूज़ किया है लॉन्ग राइड्स में भी। और नी गार्ड में स्पेशली नी गार्ड वो जो प्रो बाइकर्स का आता है या जो सस्ता वाला आता है उसको हम लोग कुछ अलग ही चीज़ बोलते हैं, तो वैसा नी गार्ड आप प्लीज़ मत लो, थोड़ा इन्वेस्ट करके आप ये वाला ले सकते हो, या तो फिर आप अल्पन सार की फर्स्ट कॉपी जो आते हैं वो भी 2500-3000 के आसपास मिल जाता है, आप वो ले सकते हो इंस्टेड ऑफ दैट प्रो बाइकर। तो बायोनिक पे जाओ। एक और है प्रोडक्ट जो सोइको का भी नी गार्ड अच्छे आते हैं, वो भी आप ले सकते हो बजट में, अगर आपके पास बजट है। तो अब बात करते हैं नी गार्ड या राइडिंग पैंट। सी आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, अब नी गार्ड अब नी गार्ड का प्राइस है 4000 रुपीज़, वहीं पे राइडिंग जैकेट का प्राइस है 6800 XDR वाले का। तो आप मुझे बताओ कि नी गार्ड है आपके सिर्फ यहाँ पे ही काम देने वाला है, ठीक है। राइडिंग पैंट है वो पूरा पैंट है, जबकि आपके साइड में भी प्रोटेक्टर दिया है, नी पे भी प्रोटेक्टर दिया है, रेन लाइनर्स है, देन विंटर लाइनर्स है, प्रॉपर फिटिंग है जैकेट को अटैच करने के लिए, और काफ़ी कूल भी दिखता है वाइल राइडिंग। और सेफ्टी के मामले में मुझे राइडिंग पैंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों ना आप 2000 रुपये, अगर आपके है अच्छा, जब आप 4000 का ये ले सकते हो तो वाई यू आर पुटिंग 4000 इन नी गार्ड इंस्टेड ऑफ बाइंग द राइडिंग पैंट। 2000 का नी गार्ड या फिर 6700 का राइडिंग पैंट, मैं कहूँगा आप लोग के अगर आपके पास बजट है। देखो हर जगह बजट ही आ जाता है, मैं भी खुद कुछ चीज़ें लेता हूँ तो बजट पे ही रुक जाता है कि अरे लूअर राइडिंग बूट्स का मैं कितने टाइम से प्लान करता, बट राइडिंग बूट्स का प्राइस है 7000-8000 रुपीज़ के आसपास। बट वहीं पे मुझे रॉयल एनफील्ड का बूट मिल गया 4000 के अंदर, जो कि राइडिंग बूट का ही काम करता है, जहाँ पे सेफ्टी के बीच में उसमें स्टील टो था, पीछे भी था, साइड्स में दोनों स्टील्स के वो सब लगे हुए थे। मेरा वीडियो अगर आपने देखा तो आप जाके देख सकते हो मेरे राइडिंग बूट के ऊपर। तो इसलिए मैं सोच समझ के ही इन्वेस्ट करता हूँ, बिना मतलब के पैसे खर्च नहीं करता हूँ। मैं भी जब नाजी ने लिया था, नाजी वॉज द फर्स्ट गाय टू बाय जैकेट, राइडिंग नी गार्ड, ये सारी चीज़ें नाजी ही सबसे पहले लिया था हमारे ग्रुप में। तो नाजी का देख के मैं भी सोचा क्यों ना मैं भी एक नी गार्ड लूँ, बट थोड़ा मैं रुका, सोचा इतना पैसा डाल के मतलब क्या। नाजी मैं तेरे पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हम जैसे नाजी भी जल्दी ही राइडिंग पैंट लेने वाला है, क्योंकि इन द स्टार्टिंग स्टेज आप हर एक स्टार्टिंग स्टेज पे जाते हो, पैसे का रहता है तो आप पहले प्रो बाइकर खरीदते हो, फिर थोड़ा बहुत पैसे अच्छे आ जाते हैं प्रो बाइकर के बाद आप फिर जो अच्छे ब्रांड का ग्लव्स लेते हो, जो अच्छे ब्रांड का नी गार्ड लेते हो। तो मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट है तो गो फॉर राइडिंग पैंट, और जिसके पास बजट नहीं है तो आई जस्ट टेल यू टू गो फॉर अ नी गार्ड, बट अ प्रॉपर नी गार्ड, नॉट दैट प्रो बाइकर वन। सो अब ये वीडियो में आप सोचोगे तो पूरा बायस बता दिया है, नी गार्ड भी ले लो अगर आपका पैसा है तो, नी गार्ड भाई हो तो हमको भी मालूम था, भाई आपको मालूम था आई एग्री, बट रीज़न सिर्फ यही है सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। अगर आप अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो मैं तो बेटर कहूँगा कि देखो राइडिंग भी कैसे होता है कि कोई कोई होते राइडर जो संडे राइड करते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो लोग पूरा वीक वो लोग बिजी रहते हैं अपने काम की वजह से, तो उस टाइम पे आप नी गार्ड पे ही इन्वेस्ट करो, आप कुछ राइडिंग पैड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नी गार्ड पे अगर आपको करना है तो आप मोटोटेक में कर सकते हो, बट अगर आप राइडिंग कर रहे हो कैजुअल कि हाँ लॉन्ग राइड्स करना है, लाइक 4 दिन का 5 दिन का एक राइड प्लान करना है, लद्दाख करना है, फिर कुछ महीनों बाद अगले साल भूटान करना है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि राइडिंग पैंट में डालो जिस तरीके से मैंने डाला। तो बेवकूफ़ मत बनो, आप सोच समझ के पैसे अपने खर्च करो और कोशिश करो कि कितने आप पैसे बचा सकते हो।
हाँ स्टार्टिंग में आपके 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा जाएंगे रेडीमेड में, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब यहीं पे बात करूँ नाजी का एग्जांपल देता हूँ कि नाजी ने लिया था 4,000 का 2-3 साल पहले, ठीक है, अब वो राइडिंग पैंट लेने जा रहा है, तो लेकिन अगर उसी टाइम पे वो राइडिंग पैंट ले लिया रहता तो उसके ये सारे पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था, बट उस टाइम पे हम लोग को ही नहीं पता था कि हम लोग इतने बड़े राइड्स करेंगे कभी फ्यूचर में, दैट इज द रीजन। सो नाजी आई एम नॉट ब्लेमिंग यू आर, ठीक है, अब तू राइडिंग पैंट ले ले जल्दी से, और मेरे बाकी गर्ल्स फैमिली फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गेट योर राइडिंग पैंट्स क्विकली संकेत। सो विद दैट सेड, शुक्राना, ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस, पैसे खर्चा करो बट सोच समझ के, थैंक यू, बाय द वे आई विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, वो सॉन्ग बजा दूंगा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, सो आई विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस, मेरे जितने भी दोस्त हैं उबेद, रॉबिन, अभी मेरे को याद नहीं, रॉयसन, तो जो लोग भी हैं भाई केक भिजवा देना, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा केक खाने के लिए, एंड एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर, अच्छा नया साल आ रहा है, जो 2018 में नहीं कर पाए वो 2019 में करो। एक और चीज़ सरप्राइज देखो कैसा है कि अगर मैं बता देता हूँ तो मेरे से जल्दी हो नहीं पाता, बट फिर भी इन 2019 आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू व्हीकल। अब सोचते रहो कि वो टू व्हीलर रहेगा या फोर व्हीलर रहेगा, बट आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू व्हीकल। जल्दी ही जनवरी में हम लोग प्लान कर रहे हैं एक अच्छे डेस्टिनेशन में आने का, अच्छे डेस्टिनेशन का मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं करने वाला, थोड़ा पास ही करने वाला, हो सकता है आइदर नॉर्थ साइड और साउथ साइड, मे बी ईस्ट साइड ऑल्सो, देखते हैं। जनवरी एंडिंग, उसके पहले कोई राइड नहीं। थैंक यू, पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजाना है घंटी बजा दो, जो करना है कर दो, बस कर दो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।